जय माता दी। सत्यवाणी में आपका स्वागत है। जब कोई भी पूजा करते हैं किसी विशेष संकल्प को लेकर के और दीपक बार बार बुझता हो, चाहे हवा से बुझता हो या हवा न चल रही हो तो भी दीपक बुझ जाता हो, दीपक पूरी पूजा होने तक एक दो बार बुझ गया, तो इसका अर्थ यह है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। या फिर यह भी कह सकते हैं कि रोजाना हम भगवान के सामने हमारे घर के अंदर हम दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप में जो घी या तेल जितना डाला जाता है वह पूरा नहीं जलता है, आधा ही जलता है और दीपक बुझ जाता है। फिर जलाते हैं उसी को बंद, वो भी थोड़ी देर जलता और फिर बुझ जाता है। हम रूई की बत्ती भी बदल देते हैं, हम कई बार घी भी बदल देते हैं, हम तेल भी बदल देते हैं, फिर भी वो दीपक प्रज्वलित नहीं होता है। इसके पीछे का एक ही कारण है कि घर के अंदर आपके यहां नकारात्मक ऊर्जा है, घर के अंदर अशुद्धता है, इसलिए घर की अशुद्धता को दूर करना चाहिए। अब घर की अशुद्धता कैसे दूर करें, घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर कैसे निकालें, या घर में नकारात्मक ऊर्जा क्यों आ गई, किस वजह से घर में अशुद्धता आ गई, किस वजह से घर में अपवित्रता आ गई, किस वजह से घर में अस्वच्छता हो गई, जिसकी वजह से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं परंतु पूजा स्वीकार नहीं हो रही है। तो सर्वप्रथम इसके कुछ उपाय हैं, उन उपाय को आपको करें तो दीपक बार बार नहीं बुझेगा, आपकी पूजा स्वीकार होगी। सर्वप्रथम घर के अंदर नमक के पानी से पोंछा लगाएं, फिर शुद्ध पानी से पोंछा लगाएं, यानी नमक का पानी, नमक को पानी में डाल करके पूरे घर के अंदर पोंछा लगाना है, सफाई करना है, जाले निकालना है, फिर शुद्ध पानी से घर की सफाई करें, फिर गोमूत्र छिड़कें। गोमूत्र भी ऐसा गोमूत्र लेकर के आइए जो बछिया का हो, छोटी गाय का हो, जो अभी तक जन्म उसने बच्चे पैदा न किए हो, गोमूत्र छिड़कें। कहीं कहीं पर गोबर उसको भी छिड़कें, या उस गोबर से घर की लिपाई करें। जितनी भी घर के अंदर मूर्तियां रखी हुई होती है, पीतल की, तांबे की, चांदी की, सोने की, धातु की, इन सब मूर्तियों को गोमूत्र से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, गाय के दूध से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं। तो घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति घर से बाहर हो जाती है, घर के अंदर शुद्धता रखें। शुद्धता का मतलब होता है घर के अंदर स्त्री मासिक धर्म से होती है, उस मासिक धर्म के दौरान 4 दिन तक स्त्री को भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए, उसकी छाया मंदिर पे नहीं पड़ना चाहिए, भगवान के कमरे में नहीं जाना चाहिए, जहां पूजा हो रही हो वहां नहीं जाना चाहिए, पति पत्नी को एक साथ बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। जब वो अशुद्ध अवस्था में रहती है तब उस स्त्री को घर के अंदर का पानी भी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि वही पानी आप भर के भगवान जी के सामने लेकर के जाओगे, इसलिए वहां पर अशुद्धता आ जाती है।
बहुत से मैंने पुरुषों को देखा है, वो शमशान जाते हैं और घर के बाहर स्नान न करके सीधे घर के अंदर बाथरूम में जाके स्नान करते हैं, इसकी वजह से भी घर में अशुद्धता आ जाती है। नकारात्मक शक्ति शरीर के साथ चिपक करके घर तक प्रवेश कर जाती है, फिर घर के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है कि अपन पूजा के लिए दीपक बार बार प्रज्वलित करते हैं परंतु दीपक प्रज्वलित नहीं होता है, या होता है तो बार बार बुझता है। ध्यान रखें, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। जय मां कामाख्या।